नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th के इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्वेश्चन है आपके पास कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, बी जो है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हम पहले को लिखना शुरू करते हैं। एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो मतलब ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर आप देखिए इंटीजर है इन दोनों के बीच में, हमको ये पता है भैया माइनस हाफ इधर कहीं होगा, 9/2 इधर कहीं होगा। माइनस हाफ का मतलब हो गया -0.5 और 9.5 का मतलब हो गया 4.5। तो इसे इस तरफ चलेंगे तो आएगा 0, इस तरफ चलेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो आंसर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि हमको लिखने हैं इंटीजर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। सिंपल भाई, एक्स इस प्रकार है कि एक्स इंटीजर होना चाहिए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मतलब इन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स आते होंगे वो हमको सिंपल यहाँ लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि एक्स इज एन इंटीजर, बहुत बढ़िया, और एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4। अच्छा, एक्स की वैल्यू अगर 0 रखें तो क्या सेटिस्फाई करेगी, यस 1 रखें तो करेगी, -1 रखें तो करेगी, 2 रखें तो करेगी, -2 रखें तो करेगी। अच्छा, अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में अगर इसको बोल देता कि पॉजिटिव इंटीजर है तो आंसर क्या हो जाता, 1 और 2 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एज इट इज क्वेश्चन यही रहता एक्स सच दैट एक्स इज एन पॉजिटिव इंटीजर और ये कंडीशन दे रखी होती तो आंसर 1, 2 हो जाता है ना। अच्छा, अगर इसी में नेगेटिव इंटीजर बोल देता तो आंसर -1, -2 हो जाता। इसी में अगर बोल देता कि ये नॉन नेगेटिव है तो आंसर 0, 1, 2 हो जाता, सिर्फ नेगेटिव को हटा देंगे। और इसी में अगर बोल देता कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर है तो 0, -1, -2 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कंडीशंस बदलने से एलिमेंट्स भी बदल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, लॉयल में जो वर्ड्स हैं उनको सेट यहां पे लिस्ट करना है। तो हमने लिखा LOYA, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ई, एक्स सच दैट एक्स इज ए माउथ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। बहुत ही बढ़िया, ई हमको लिखना है ऐसा मंथ जिसमें 31 डेज नहीं होते। जनवरी में होते हैं तो नहीं लिखेंगे, फरवरी, मार्च में होते हैं तो अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई, जून, फिर सितंबर, नवंबर, तो ये जो मंथ्स हैं इनमें 31 डेज नहीं होते हैं, है ना। तो ये हमारे पास एक लिस्ट हो गई है एलिमेंट्स की, तो सिंपल सी बात है भाई, वेल डिफाइंड है और इनको हमने लिस्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स की। इस क्वेश्चन में देखिए, जैसा कि हमको पता है कि कॉन्सोनेंट क्या क्या होते हैं भैया, ए ई आई ओ यू को छोड़ दो, बाकी सब होते हैं ना, तो जनरली ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर S T U V W X Y Z। तो A E I O U इनको हटा दिया क्योंकि ये वोवल्स हैं, कॉन्सोनेंट नहीं है। और प्रीसीड्स के के बाद जो कॉन्सोनेंट आते हैं उनको लिखना है, के बाद, यानी कि प्रीसीड्स के बाद, तो के को इंक्लूड करने का बोला जाएगा तो इंक्लूड कर लेंगे, बाद में लिखना है तो बाद में लिखेंगे। तो हम इसके बाद वाले लिख लेते हैं सारे जितने भी हैं।
ठीक है, मतलब कंसेप्ट आप समझिए कि हम क्या करेंगे, इनकी एक लिस्ट बना देंगे भैया, एल कोमा एम कोमा एन कोमा पी कोमा क्यू कोमा डोट डोट, ऐसे जितने भी होंगे। हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि कितने होंगे, कहाँ से होंगे, क्या होंगे, हम बस ये समझाना चाह रहे हैं कि जब भी आपको लिस्ट करना हो एलिमेंट्स को तो कैसे करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, मन में संशय है, सवाल है, सुझाव है, शिकायत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।